दोस्तों, आज मेरे पास फिर से एक जियो फ़ोन है और ये किसी टेक्नीशियन द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये चार्ज नहीं हो रहा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि ये सारा जुगाड़ और ये सारा जम्पर मारने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उन्होंने जो भी टेक्नीशियन ने काम किया है, 1, 2, 3 और एक ग्राउंड, ये चार जम्पर मतलब इसमें लगाया है दोस्तों। इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल स्टेप बताऊँगा, बिल्कुल आप 5 मिनट में जियो फोन का जैक को बना सकते हैं। आपका सारा प्रिंट भले ख़त्म हो जाए, प्रिंट उखड़ जाए, ठीक है, फिर भी आप जो है एकदम आसानी से जैक को लगा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पांचों का पांचों प्रिंट अगर आपका ख़त्म हो जाता है, फिर भी ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये चेक कराता हूँ कि ये करने के बाद भी इसका सारा प्रिंट उखड़ गया होगा, जब भी टेक्नीशियन ने यहाँ पर 5 जंपर लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार्ज नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे रीडिंग भी आप लोगों को चेक करा देता हूँ। तो देखिए 0.89 इस तरह का रीडिंग कर रहा, 4.3 से 4.1, 4.2 कुछ नहीं रीडिंग कर रहा। तो अभी हम इसको जैक को निकालेंगे दोस्तों। तो जैक अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड छोड़ के मेरा कोई भी प्रिंट यहाँ पे नहीं है। तो अभी जितना भी जंपर है दोस्तों, सभी को हम निकाल लेंगे। 1 और हम इसको क्लीन कर लेते हैं। और इसी प्लेट से दोस्तों हम इसके माइक को कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि मेरा माइक ख़राब ना हो। हम इस तरह से माइक को कवर कर लिए। देखिए ऑटोमेटिक ये बैठ रहा है दोस्तों, ऑटोमेटिक ये जो है ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना मजबूती से जो ये लगा है, ठीक है दोस्तों। देखिए जैक का क्वालिटी देखिए, बिल्कुल मजबूती के साथ ये जो है एकदम बैठ गया है, ठीक है। अब ये कुछ भी नहीं होगा, पहले हमें इसको टिकाना है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए बहुत ज़्यादा मजबूती से टिक गया है, ये उखड़ेगा नहीं दोस्तों। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये बहुत मजबूती से लग गया है। अभी हमें क्या करना है, ग्राउंड मेरा एक पॉइंट यहाँ पे था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ग्राउंड मेरा एक पॉइंट यहाँ पे था, सिर्फ पॉजिटिव वाला पॉइंट मुझे जो है एक जंपर मुझे करना है, और एक जंपर मैं आप लोग को बताऊंगा। सिंपल एक ही जंपर से आपका काम बन जाएगा, और वो जंपर क्यों मारना पड़ता है वो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक पॉजिटिव लगाया है, एक नेगेटिव लगाया है, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव लगा के चार्ज करेंगे तो ये सिर्फ क्या करेगा, एक ही बार चार्ज शो करेगा। जब भी आप ऑन करके इसको चार्ज लगाइएगा तो एक ही बार चार्ज शो करेगा, फिर आप चार्जर को निकालिएगा, दोबारा लगाइएगा तो चार्ज शो नहीं करेगा।
वोल्टेज तो बताएगा, चार्जिंग शो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, इसका एक डीएम पॉइंट में आपको जम्पर मारना है यहाँ से इस तरह से। ठीक है, आपको यहाँ से एक डीएम में कर देना है। ठीक है, और नहीं तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से आपको उठा के यहाँ पे और यहाँ पे जम्पर, ही दोनों पे इस तरह से जम्पर कर दीजिएगा, आपका फोन 100% ओके हो जाएगा। मैं आप लोगों को देखिए दिखा देता हूँ कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। जब भी फोन को आप चार्ज में लगाइएगा ये वाइब्रेट करेगा और फोन ओके हो जाएगा, इसका मतलब प्रॉपर ओके हो गया मेरा। ठीक है दोस्तों, आपको 4-5 जम्पर कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है।